जी नमस्कार। मैं प्रभा जी का बहुत पुराना प्रेमी हूँ, बहुत ही पुराना, बहुत सुनता था, बहुत सुनता हूँ। आज दोपहर को मैं इनका पूरिया कल्याण सुन रहा था। भगवान कर इनको इसी दुगनी ताकत दे जो आज गा रहे हैं या गा रही थी। सबको इन्होंने रिझा लिया और सबको इन्होंने मना दिया कि मैं अकेले उठ के दुनिया में गाने बजाने की जितनी बड़ी बड़ी संस्था है वहां तो गाऊंगी, और हमें जितने आने वाले जो शिष्यगण हैं उनको भी सिखाऊंगा, उनको भी दिखाऊंगा कि संगीत क्या की ताकत क्या है। इन्होंने बहुत मेहनत किया है। मुझे याद है मैं भी ये तो एक बात इनकी ठीक नहीं लगती, 90-90 कह देती, मुझे दुख लगता है कि 90 कहाँ है। मैंने आपको हमेशा यंग ही पाया है और यंग रहती हैं और सबसे ऊपर चढ़ गाती हैं, और मैंने भी बहुत इनका गाना बजाना देखा है, सीखा है और सीखना चाहता हूँ, ये मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। और मैं तो इनके पूरी परिवार को जानता हूँ, जाता था बॉम्बे में इधर उधर, और जब इनकी जॉब शुरू हुई थी तो मैं भी मिल गया था वहाँ का नागपुर नागपुर ये अब कहना पड़ रहा मुझे 7 साल हो गए 1960 लेकिन जो हमने देखा जो इनके प्रति मुझे श्रद्धा हो गई, इतनी मेहनत शुरू से इतनी मेहनत, और खाना बहुत कम, एक रोटी। मैं एक दिन पहुंच गया रेडियो, मैं भी नौकर करता था, मैंने कहा मैं शेयर करता हूँ, थोड़ा भूख लगी थी मुझे, जब देखा एक रोटी मैंने खाऊंगा तो मैं ही खा जाऊंगा। तो मैंने स्वभाव की ऐसी शख्सियत है कि मैंने देखा नहीं, और बड़ी मेहनत और बड़ी तपस्या किया, और मैं तो इनके पिता माता पिता को भी धन्यवाद कहता हूँ कि ऐसे सुपुत्री को जन्म दिया। इनकी बहन भी बहुत अच्छी गायिका थी, मैं भी रेडियो में काम करता था, उनका एक कॉम्प्लीमेंट करता था, बहुत ही अच्छी गायिका, बहुत सुंदर और सौभाग्य सुंदर। तो मैं बस यही कहना चाहता था कि भगवान ऐसे लोगों को और भी आप लोगों का प्यार मिले, आप लोगों का आशीर्वाद मिले, और आने वाली हमारी पीढ़ी बढ़ती रहे आगे। और गाना बजाने से साहब ने कहा कि आज हमारा भारतीय संगीत हिंदुस्तान में नहीं, सारे देश में विदेश में इतना पॉपुलर हो गया है कि लोग आँख बंद करके सुनते, चाहे समझते हो ना समझते हो अलग बात है, लेकिन वो सोचते कैसे गाते हैं कि घंटा बिना पेपर के और बिना गए कैसे करते हैं, तो हमने कभी देखा भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि अब इनके जो शागिर्द हैं, जो भी इनके शिष्यगण हैं, जहाँ भी गए होंगे, जैसे अभी बहन को बताया जापान की हैं, तो ऐसे कितने लोग गाते हैं इनका गाना, तो इनको नहीं मालूम है, और सब इनकी भगवान करे इनको। एक और मैं भूल गया, सॉरी, जरा उम्र मेरी हो गई आपसे। अगर मैं मेरे हाथ में अवार्ड देना होता था तो मैं इनको क्या अवार्ड देता था? मैं देता था इनको भारत रत्न, ही भारत नौ रत्न। देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, आए नौ रत्न इनको मिलेगा, वहां से नौ रत्न की शुरुआत। बस बहुत बहुत धन्यवाद।